छपरी भीख मांगी या कोटी बंगले वाले लड़के भैया अभी आपकी उम्र नहीं हो रही, अगले साल से उड़ाना इस हाँ ये कर लो पहले मैं करो पार को यहाँ घोगा लग दे वाला सन हाँ इन गोला खन्ना रे क्या जोड़ी लग रही है तुम्हारी सिंगल नहीं अभी हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो गाइस आज को अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे आज हम जाने वाले हैं, पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, अभी कुछ नहीं बताया। मैं अभी हूँ नेपाल, दुआ के घर, आपने कल देखा ही होगा मेरा बुआ घर। अभी मैं तो सामान वामान डाल ही रखा है इन्होंने कुछ इस तरह से। तो अभी हम जा रहे हैं रोहित भाई के घर जो नेपाल से हैं, मतलब जो आपने नेपाल वाले ब्लॉग पे देखा होगा, जब शादी वाले ब्लॉग पे तब थे, उनके घर जाने वाले। ठीक है तो चलते हैं रोहित भाई के घर और फिर देखते हैं कहाँ का जाने का प्लान होता है। ठीक है लेट्स गो। जगह नाम तिलकेनी है, चलो किसी से पूछते हैं और उसके बाद चलते हैं तिलकेनी। भैया तिलकेनी कहाँ पड़ता है यार? तिलकेनी यही है भाई। यही है? हाँ, ये तो हल्दू खाल नहीं है? हल्दू खाल उधर है। तुम्हें किधर जाना है? तिलकेनी। तिलकेनी यही है पूरा। आपको किधर जाना? तिलकेनी का चौराहा यही है क्या? तिलकेनी का चौराहा यही है क्या? तिलकेनी कहाँ पे है? तिलकेनी ऊपर है, इधर ऊपर से आया है। अभी किसी ने बताया यहाँ पे तिलकेनी है, ये अंधकाल है, फिर वो आएगा तिलासोड़ आएगा, तिलासोड़ से ऊपर तिलकेनी आएगा, कहाँ इधर आ गए। अरे यार अभी आप लोगों ने बताया था, शायद यहाँ पे कोई खड़े थे, उन्होंने कहा यही है वो। चलो थैंक यू। ठीक यार लड़कों ने फंसा दिया यार, वो पीछे लगा दिया वापस। चलो ठीक है थैंक यू, मिलते हैं UK 05। यार भाई यार, अरे क्या हाल है? जय श्री राम। सब बढ़िया? सब बढ़िया। यहाँ पे दोस्त लोग हैं? हेलो 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 भाई, और क्या हाल है आपका? सब बेटा, और सब बढ़िया। अरे मैं वो सामने तक आया था, उन्होंने लड़कों ने बताया पीछे छूट गया, फिर मैं पीछे ले गया वापस। अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला तिलकेनी यहीं पे है। ये रे रोहित भाई, इनके पास भी है भाई NS, ये लियो 2.0। भाई काफ़ी फनी इंसान है यार, बहुत ज़्यादा फनी, देखना वीडियो पे आगे पता चल जाएगा आपको। पहुँच चुके हैं भाई रोहित भाई के घर। अरे भाई रोहित भाई का स्टूडियो, अरे भाई 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 होम स्टूडियो बढ़िया तो है। भेजो तो भाई, भैया की दुकान पे पहुंच गया, भैया लगाने वाले हमारे डिस्काउंट, देख सकते हो हमने चश्मा ले रखा है, हाई वैल्यू हो रखा है तुम्हारे भाई। तो गाइस चौमिन निपटा के चलते हैं भाई घूमने। हाँ जा रहे हैं झिलंगिया, झिलंगिया पुल भाई, जो मतलब एशिया का सेकेंड नंबर का पुल है अभी तक का, वहाँ ले जा रहे हैं हम आपको। ठीक पुल बताना, रास्ता बताना, इस साइड से नहीं, पहले वीडियो तो बनाते हैं। तो भाई पहुंच चुके भाई एशिया के सेकंड नंबर के पुल पे, देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट है और उस कोने पे जहाँ तक नज़र नहीं पहुँची वहाँ तक है। ये शायद आई थिंक 2 या फिर 2.5 किलोमीटर लंबा है भाई, सीधे आगे को देख सकते हो, और एशिया का सेकेंड नंबर का पुल है। हाँ भैया सेकेंड नंबर का पुल है, रोहित भाई बताएंगे तुम उसके बारे में। किसने बनाया था ये? देखता हूँ गूगल में। नदी महाकाली नदी सब है, शारदा महाकाली कुछ भी भाई, मतलब सारी मिक्स हो जाती है इसमें, इंडिया के लिए शारदा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देख सकते हो इस कोने से उस कोने नजर नहीं पहुंची भाई। अभी हम पुल के ऊपर से गाड़ी ले जाएंगे ना, पुल के ऊपर से भी गाड़ी ले जाएंगे भैया। चलो फिर यहाँ पे एक दो रील शूट करते हैं। ठीक भाई साहब अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो रील शूट करते हैं आगे फिर दिखाते हैं क्या रहता है सीन आगे का। तो गाइस कभी कभी मेरी कुछ जबान कुछ ज़्यादा ही फिसल जाती है, जबकि ये पूरा है 1.14 मतलब 1.5 किलोमीटर मान सकते हो इसको। ठीक 1500 मीटर लंबा पुल है भाई, और मेरी जबान कुछ ज़्यादा ही फिसल जाती है, तो मैंने 1 किलोमीटर बढ़ा के बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, बस फाइनली पता तो चल गया कि मतलब 1.5 किलोमीटर है। ठीक बाद में कमेंट में गाली मत देना मेरे को, पहले बता दिया। तो गाइस चढ़ रहे हैं हम भाई इस पे पुल पे,
मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है इतने लंबे पुल पे चढ़ने का। भाई साहब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है गाइस, मेरे को थोड़ा थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा है फील है, लेकिन बाकी मज़ा तो आ ही रहा है। हट जाओ रे, दब जाओगे। वो तेरी भाई नीचे जब वो दिख रहा है ना भाई, ताल है ना, नीचे नहीं देखना, नीचे तो नहीं देखना है भाई। काली नदी पूरी तूफानों पे गाइस अपने, परफ्यूम समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अरे तेरी बाप रे, ये बड़े खतरनाक राइडर है गाइस। हाँ है भाई, अच्छा पीछे तो गाइस बीचों बीच आ चुके हैं भाई। रोहित भाई बोल रहे हैं फोटो खिंचानी है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या सीन रहता है भाई। पीछे का देख लो भाई, सामने पे ये इस तरह से, और इस साइड का कुछ इस तरह से भाई देख लो। और ये पूरी काली नदी गोरी नदी जितनी सारी मिक्स है इस पे। और ये अपने रोहित भाई, इनकी फ़ोटोशूट चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रील बनाए मेरे लिए भी, थैंक यू इनको। वो देख रहे हो भाई इतना मस्त लग रहा है भाई, वहाँ से लेके वहाँ तक। अभी हम बीच पे हैं, जब दोनों साइड से गाड़ियाँ आती तब थोड़ा सा झील टाइप का है कि मतलब काटनी मुश्किल टाइप की हो रही है, बाकी सब बढ़िया है क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना इसमें तब। तो ठीक है, थोड़ा बहुत रील शूट करते हैं और फिर दिखाते हैं क्या सीन रहता है यहाँ का। रोहित भाई कहीं ले जा रहे हैं हमें, वायरल रोड कहा ऐसे कुछ जगह नाम है, वहाँ जाएंगे। गाइस वो सामने देख सकते हो ये बच्चे जो अभी नहा रहे हैं भाई, इनमें से एक अभी बह गया था लिटरली यहाँ से वहाँ तक, तो ये दो बच्चे जाके उसको उठाया भाई वहाँ से। यार ऐसा मत किया करो यार भाई, तुम्हारे लिए खतरा है भाई कुछ भी, मतलब इतनी बड़ी नदी आ रही है यहाँ पे तो इतनी कम दिख रही है, लेकिन उस साइड पे तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है और पीछे तक है बहुत ही लंबी ना, देख लो भैया। अपने जिम्मेदार आप खुद ही रहोगे अगर ऐसी हरकतें करोगे यहाँ आगे तो। तो कैसे हो मेरे जिगर के थल्ले? दिख रहेगा। अरे ओपन हो गया। छपरी भीख मांगी या कोड़ी बंगले वाले लड़के। अच्छा ठीक है, आज के नल्ले बेरोजगार लड़के इधर आके फोटो खींचते हैं, इधर आके फोटो खींचते हैं नल्ले बेरोजगार छपरी कोड़ी बंगले वाले लड़के देखो। सो गाइस पहली बार मिले, मतलब सेकंड बार मिले रोहित भाई से, जो फिर से मिल के काफ़ी अच्छा लगा भाई। मतलब पहले वाली वाइब है इनमें अभी भी, मतलब यार कहीं खतरनाक वाली। तो कैसा लगा भैया मिल के हमसे? एकदम मस्त, मज़ा आया। हम हुए ही मस्त भाई से, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी अभी है और टाइम है, मिलेंगे साथ में, जरूर मिलेंगे भाई, जरूर मिलेंगे। तो चलते हैं यहाँ से सीधे, और रोहित भाई को भी शूट पे जाना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। तो ये था यहाँ का जुलंगा पुल, जो पूरा 1.5 किलोमीटर लंबा था, यहाँ से इस कोने से उस कोने तक नजर नहीं जाती है, और ये एशिया का सेकंड नंबर का पुल है, फिर से बता दूँ तो। मतलब मेरे को ये मत कहना कि तुमने 2.5 किलोमीटर बोला भाई, वो गलती से निकल जाता है कभी कभी मुँह से फ्लो पे, वो मत डालना ना। और ये देखो भाई इनकी, मतलब फोटो शूट करते करते पसीने छूट गए भाई, और मेरी भी। तो चलते हैं यहाँ से सीधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम। नाम क्या आपका? और आपका? भुवनपाल।